नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट नाइन। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। अगले आधे घंटे में हम आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे, वो भी बिना ब्रेक के। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आज एक महिला ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंक दी। महिला ने दिल्ली के सीएम पर स्याही फेंकने के बाद मंच पर कागज के टुकड़े फेंके। ऑड इवन स्कीम की कामयाबी को लेकर जनता का शुक्रिया अदा करने के लिए सरकार ने एक प्रोग्राम किया था, उसी दौरान यह घटना सामने आई। छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूले की कामयाबी पर धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस दौरान भावना नाम की एक लड़की ने केजरीवाल पर स्याही फेंक दी। भावना का आरोप है कि ऑड इवन फॉर्मूले के दौरान बाइक के नंबर पर भी सीएनजी के स्टिकर्स इशू किए गए थे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। बीजेपी ने घटना की निंदा की। ये घटना ये नहीं दिखाती कि दिल्ली की पुलिस सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई हमला कराने के लिए तैयार बैठी हुई है, और जब इतना हंगामा हुआ कोई पुलिस वाला अलर्ट नहीं हुआ। मुझे इसमें सीधे सीधे लगता है कि बीजेपी की साजिश है ये। अरविंद केजरीवाल जी से कोई नाराज होगा तो उसका बोलने का तरीका होता है। ये कालिक फेंकना, पेपर फेंकना, गाली गलौज, ये सब ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकने वाली लड़की आम आदमी सेना नाम के संगठन की पंजाब प्रभारी है। भावना का आरोप है कि दिल्ली में यूपी के बाइक नंबरों पर सीएनजी स्टिकर बांटे गए। भावना का दावा है कि उसके पास इस घोटाले से जुड़े कागजात मौजूद हैं। भावना का दावा है कि उसने सीएम केजरीवाल से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया गया। अगर देश सेक्युलर है तो किसी यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा कैसे दिया जा सकता है? क्या शिक्षा को धर्म के चश्मे से देखा जाना चाहिए? आज ये सवाल खड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के रुख से, जिसमें कहा गया है कि सेक्युलर सरकार किसी अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना नहीं कर सकती। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर केंद्र सरकार के रुख ने बड़ा सवाल उठा दिया है कि अगर देश सेकुलर है तो कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा होना चाहिए या नहीं। 11 जनवरी को ही सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि सेकुलर सरकार अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना नहीं कर सकती। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर केंद्र सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि विधायिका की ओर से एमयू को कभी भी अल्पसंख्यक संस्थान बनाने का इरादा नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के रुख को आज मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सार्वजनिक तौर पर रख दिया। I will only say this that anybody who knows the law and parliamentary procedure knows that the parliament is supreme in this country. It is by an act of parliament that central universities have been so established. Because both these cases are sub judice, hence it would be improper for me to say more. But I will only say this that when you establish a university by an act of parliament, that university is secular in nature, but under the Reservation Act, it also secures the rights of Dalit children, OBC children, ST children. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कभी मुस्लिम शिक्षा संस्थान था ही नहीं। साथ ही कानून मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ये राय भी दी है कि जामिया मिलिया इस्लामिया से भी अल्पसंख्यक दर्जा छीना जा सकता है। 1981 में संविधान संशोधक विधेयक लाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया था। जब सरकार ने एएमयू में मुस्लिमों के लिए 50% आरक्षण की मांग उठाई तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई। वहीं जेएमआई में भी मुस्लिमों को 50% आरक्षण दिए जाने की मांग पर हाईकोर्ट में याचिका की गई थी, क्योंकि अल्पसंख्यक आरक्षण लागू होने से एसटी एसटी रिजर्वेशन खत्म हो गए थे। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का रुख सामने आने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया विरोध में उतर आई हैं कि मोदी सरकार में अल्पसंख्यक संस्थानों का विरोध हो रहा है। क्या ममता राज में न्याय से ज्यादा नेता पुत्र की कीमत है? आज ये सवाल उठा है पश्चिम बंगाल पुलिस के रवैये से। आरोप है कि पुलिस उस टीएमसी नेता के बेटे को बचाने में जुट गई है जिस पर 13 जनवरी को ऑडी कार से वायुसेना के अफसर को कुचलने का आरोप है। पश्चिम बंगाल की पुलिस पर ये आरोप क्यों लग रहे हैं? क्या ये ममता सरकार के दबाव का नतीजा है? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोलकाता हिट एंड रन केस में 100 घंटे की सुस्ती के बाद आरोपी साबिया की गिरफ्तारी हुई, और सवाल अब यह है क्या ममता की पुलिस अब अभिमन्यु के मुजरिम को बचाने में जुट गई है?
जब मीडिया और बीजेपी का प्रेशर पड़ा, 100 घंटे बाद टीएमसी सरकार ने, उनकी पुलिस ने कबूल लिया कि कहां पे वो छुपा हुआ है, उसको अरेस्ट कर लेते हैं। मगर यही टीएमसी की जो सरकार थी और कलकत्ता पुलिस पहले दिन से उसको बचाने में लगी हुई थी, क्योंकि वो टीएमसी के लीडर का बेटा है और ये वहां की बंगाल की जो कानून व्यवस्था उसके ऊपर एक काला धब्बा है। आरोप यह है कि टीएमसी नेता के बेटे सांपिया सोराब को बचाने के लिए पुलिस अब केस उलझा रही है। इसलिए थ्योरी पेश की जा रही है कि 13 जनवरी के दिन जिस ऑडी कार ने एयरफोर्स ड्रिल के दौरान वायुसेना के अधिकारी अभिमन्यु को कुचला, उसमें 3 लोग सवार थे, जबकि आरोपी के ही दोस्त ने मोबाइल वीडियो में दावा किया है कि कार सांपिया ही चला रहा था, वो भी बुरी तरीके से नशे में धुत होकर। उस दिन हम और मेरा दोस्त लोग आदिल वादिल हम लोग बैठ के दही घाट में पी रहे थे, ठीक है ना। उतने में सानू और संभी आया, तो वो लोग भी आया, आके पिया विया। उसके बाद तो संभिया को सब बोला कि भाई आप बहुत पी लिए, गाड़ी को इधर लगा दी, लगा के चले जाइए। तो आदिल भी बोला कि मेरे घर में पार्किंग कर लिए, आप पार्किंग करके रख दिए गाड़ी, कल सुबह लीजिएगा। पर वो किसी का सुनने राजी नहीं था, तो स्पीड में एकदम बैरियर से एकदम निकल गया। तो हम जैसे जा रहे थे तो पुलिस हमको रुका दिया, दो कॉन्स्टेबल दम बोला रहे अभी एक तो गाड़ी की इधर सैनिक नहीं, बोले इधर नो एंट्री, इधर परेड चल रहा है 26 जनवरी का, प्रैक्टिस चल रहा है। हम और सानू वहां से बायां लेके अपना घर चले गए। सुबह उठने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि ऐसा सब वाकया हुआ है। इससे पहले हादसे के वक्त मौजूद एयरफोर्स के जवानों ने भी बयान दिया है कि ऑडी कार में सिर्फ एक ही सवार था, जबकि पुलिस दावा कर रही है कि कार में हादसे के वक्त 3 लोग मौजूद थे। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार के इशारे पर सांपिया को बचाने की साजिश हो रही है। ये गिरफ्तार नहीं बल्कि ये इसको सरेंडर कह जा सकता है, और ये सब मिलावट सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ, सब कुछ ये तय किया गया है। सत्तारूढ़ पार्टी के ये खुद अपने घर के लोग हैं, इसके लिए उसे बचाने का कोशिश कर किया जा रहा है, और अभी बचाने का कोशिश और ज्यादा जोर लगा के किया जा रहे हैं। ममता सरकार सवालों में इसलिए भी है क्योंकि जब भी कानून व्यवस्था का मुद्दा उठता है टीएमसी उसे राजनीतिक साजिश बताकर खारिज कर देती है, चाहे बात मालदा के दंगों की हो या फिर ऑडी एक्सीडेंट में टीएमसी नेता के बेटे सांपिया के फंसने की। चलिए अब खबर हरियाणा से। आप एक दिन में कितनी गाड़ी चलाते होंगे, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या फिर 200 किलोमीटर? लेकिन हरियाणा में कई मंत्री ऐसे हैं जिनकी गाड़ियां रोजाना 800 या 900 किलोमीटर दौड़ती हैं। जी हां, यह खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से ज्यादा उनके मंत्री अपनी कारों को दौड़ा रहे हैं। जी हां, हरियाणा के मंत्रियों ने अपनी सरकारी गाड़ी से चलने का ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे तोड़ने की हिम्मत बड़े से बड़े घुमक्कड़ भी नहीं कर पाएंगे। आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि हरियाणा के कई मंत्रियों की गाड़ी रोजाना करीब 900 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ रही है। इसमें जो मेरे को इन्होंने जानकारी दी है किलोमीटर की, कि ये हजारों किलोमीटर प्रत्येक गाड़ी हर महीने चल रही है। इन्होंने मंत्री, प्रत्येक मंत्री को दो दो गाड़ियां दी हुई हैं और सीएम साहब के पास 8 गाड़ियां हैं, लेकिन कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनकी 25-25 हजार किलोमीटर गाड़ी, दोनों मिला के दो गाड़ियां दोनों मिला के चल रही हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की सरकारी गाड़ी हर महीने 28 हजार किलोमीटर चलती है, यानी 933 किलोमीटर रोजाना। हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की सरकारी गाड़ी अक्टूबर महीने में 24,360 किलोमीटर दौड़ी, यानी रोजाना 800 किलोमीटर। वहीं राज्य कृषि मंत्री कृष्ण कुमार की गाड़ी भी खूब चली, आरटीआई के मुताबिक हर महीने औसतन 18,524 किलोमीटर चलती है, यानी वो रोज 600 किलोमीटर से ज्यादा सफर करते हैं। जबकि मंत्री घनश्याम सर्राफ की सरकारी गाड़ी हर महीने 17,782 किलोमीटर चलती है, यानी रोजाना 590 किलोमीटर। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की दलील है कि काम करना है तो फिर भाग दौड़ तो करनी ही पड़ेगी। हालांकि मुख्यमंत्री जरूरत के मुताबिक कटौती के पक्ष में हैं। अपने काम के लिए अगर गाड़ी चलाने का आवश्यकता है तो फिर गाड़ी न चलाई जाए और काम कम हो, काम को रोका जाए, ये हमारा कोई हेतु नहीं है। लगता है कि 1000 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है उसकी, में, उसकी जानकारी ले लेंगे। इतना आवश्यक है वो जरूर चलेगा, उसमें कहीं कोई कठिनाई कटौती नहीं होगी, अनावश्यक जहां कहीं होगा उसको ध्यान करेंगे। आरटीआई के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। इससे एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हकीकत में हरियाणा के मंत्रियों को विकास के लिए रोजाना राज्य के एक कोने से दूसरे कोने तक
दौड़ना पड़ रहा है या फिर माजरा कुछ और है। केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने शेखावाटी यात्रा के दौरान मौका मिलने पर जाट मुख्यमंत्री बनाए जाने का बयान दिया तो सियासी हलकों में भी इसकी चर्चा हुई, लेकिन बीजेपी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह के इस बयान से किनारा कर लिया है। प्रदेश में जाट मुख्यमंत्री का मुद्दा एक बार फिर से उठा है और इस बार इसे हवा दी है झुंझुनू आए केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, लेकिन परिणामी ने इसे उनकी व्यक्तिगत राय बता दी। झुंझुनू जिला भारत की सेनाओं में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है, लेकिन ये पिछड़ेपन की भी निशानी है। क्यों? क्योंकि रोजगार की तलाश में जब कोई और चारा नहीं होता तो कहते कि कहीं पुलिस में, फौज में कहीं तो जाओ। देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हमारी पार्टी तो अखंड भारत की बात करती है और सभी जातियों को साथ लेकर के चलने की बात करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि 125 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर के हम देश का विकास करेंगे। राजस्थान प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी ने कहा कि 36 कौमों को साथ लेकर के हम विकास का काम करेंगे। वहीं इस सवाल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अध्यक्ष खुद को छोटा बताते हैं और बयान पर अनभिज्ञता जाहिर कर देते हैं। ये उनका, मैं मानता हूँ कि अपने निजी विचार है और ना ही मैंने उनके बयान देखे, बयान देखने के बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ। देखिए, ये जो इस प्रकार की बात करने का मुझे, मैं एक युवा मोर्चा के एक अग्रिम संगठन का कार्यकर्ता हूं, ये मेरे पार्टी के वरिष्ठ लोग इस बारे में कोई बात कर पाएंगे। शेखावाटी में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जाट सीएम का मुद्दा छेड़कर बीजेपी के साथ ही प्रदेश में एक नई बहस को जन्म दे दिया। बहरहाल, सत्ताधारी पार्टी तो इस मसले पर चुप्पी साधना ही बेहतर समझ रही है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को इस मसले पर बयानबाजी के दर्द को झेलते हुए भी देखा है। शशि मोहन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बयान पर कांग्रेस के नेता भड़क गए और उन्होंने राष्ट्रपति और पीएम से प्रधानमंत्री से मंत्री को हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि शनिवार को वीरेंद्र सिंह ने झुंझुनू में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि किसी भी इलाके में अधिक फौजी होना पिछड़ेपन की निशानी है। हालांकि प्रदेश बीजेपी ने वीरेंद्र सिंह के बयान का बचाव किया है। जी, राजस्थान न्यूज की खबर का असर, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बयान की जमकर निंदा, कांग्रेस ने खोला वीरेंद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा, कल कांग्रेस फूकेगी केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का पुतला। जी, राजस्थान न्यूज की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। झुंझुनू के सैनिकों को लेकर केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बयान का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस मामले में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर तुरंत मंत्री को पद से हटाने की मांग की है और चौधरी वीरेंद्र सिंह को झुंझुनू के सैनिक परिवारों से माफी मांगने को भी कहा है। कांग्रेस ने बयान को शहीदों और सैनिक परिवारों को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। मैं केंद्रीय मंत्री के बयान का विरोध करता हूं और उनका बयान हमारे झुंझुनू जिले के सैनिकों के लिए और शहीद परिवारों के लिए एक ठेस भरा है, उनका अपमान किया है। कल हम झुंझुनू में कांग्रेस के सभी संगठनों को और आर्मी के और सैनिकों के लिए जो संगठन बने हुए हैं उनको सबको इकट्ठा करके चौधरी वीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री का पुतला जलाएंगे। गौरतलब है कि शनिवार को पेयजल पर हुई कार्यशाला में मंत्री ने कहा था कि झुंझुनू के युवा फौज में पिछड़ेपन की वजह से जाते हैं। चौधरी सिंह के बयान को जी राजस्थान न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। हालांकि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के बयान पर प्रदेश बीजेपी ने भी बचाव करते हुए अपना पक्ष रखा है। देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हमारी पार्टी तो अखंड भारत की बात करती है और सभी जातियों को साथ लेकर के चलने की बात करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि 125 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर के हम देश का विकास करेंगे। कुल मिलाकर खुद बीजेपी, विपक्षी कांग्रेस या फिर झुंझुनू के लोगों को भी समझ से परे है कि वीरेंद्र सिंह ने बयान क्या सोच कर दिया, लेकिन इतना तो तय है कि बयान पर बीजेपी के साथ साथ खुद केंद्रीय मंत्री के लिए भी गले की फांस बन गया है। झुंझुनू से संदीप केडिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पुलिस वालों की आपके मन में कैसी छवि है? एक कड़क, दबंग और हमेशा रौब में रहने वाले शख्स की। खाकी के नाम पर आपके सामने सिर्फ एक शख्स, सख्त इमेज वाला शख्स खड़ा होता है, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं पुलिस वालों का एक अलग अंदाज। देखिए मध्य प्रदेश के भोपाल से ये रिपोर्ट।
राजस्थान में कई परंपराएं ऐसी हैं जिनकी आड़ में सेहत से खिलवाड़ करने से भी लोग बाज नहीं आते। ऐसी ही एक परंपरा है 12:56। जी हां, घड़ी में दोपहर के 12:56 होते ही भांग प्रेमियों की भीड़ भांग पर टूट पड़ती है। फिर क्या बड़े क्या बूढ़े, किसी को सुध नहीं रहती कि वो कितने लोटे भांग गटक रहा है। कहते हैं पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, और जब पीने के पीछे भगवान के प्रसाद का बहाना हो तो फिर डर किसका। भांग से पहले भगवान का आह्वान और फिर उसी भांग में भोग के नाम पर गोते लगाते ये लोग जोधपुर के परसराम महादेव मंदिर में शिव भक्त 12:56 की ये परंपरा इतनी शिद्दत से निभा रहे हैं कि इन्हें भंगेड़ी कहलाए जाने से भी परहेज नहीं रह गया है। भगवान शंकर को विजया अति प्रिय है, और जब शंकर भगवान भंग पीते हैं, विजया का पान करते हैं, तो उस समय की टाइम होती है रात को मध्य रात्रि को 12:56, रात को 1 बजे, क्योंकि इनकी भांग है जो भूत और पिशाच को उठते हैं, और वह भांग शिव के गण जो हैं शिवांशु हैं वो लोग पीते हैं। बारह छप्पन के जयकारे भी खास होते हैं, क्योंकि इस जयकारे में भोले के प्रसाद का असर जो होता है। हालांकि आमतौर पर भांग को एक नशे के रूप में देखा जाता है, लेकिन शिव भक्त इस नशे के रूप में नहीं बल्कि इसे शिव की बूटी का नाम देते हैं। 12:56 मतलब महादेव के विजय की भांग की अभिषेक होता है, उस भांग में समझ जोधपुर के जितने विजय प्रेमी है इकट्ठे हुए हैं, और उन सबको इकट्ठे करने के लिए हम यहाँ सब साधु आमंत्रित किए हैं। भांग प्रेमी यहाँ आते हैं और कोई जग के द्वारा कोई लोटे से कोई गिलास से अपने भांग पीते हैं, और सभी अपना आनंद ले रहे हैं। शिव की स्तुति के साथ में सबसे पहले हम विजया को घोटते हैं और सभी लोग इकट्ठे होते हैं, मनोभाव से उसको तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद शिव की स्तुति की जाती है, देवी की स्तुति की जाती है, राहु केतु की स्तुति की जाती है। सभी देवी देवताओं की स्तुति करने के बाद उसे शिव को भोग लगाया जाता है। उसके बाद सभी लोग आनंद रूप से इसको जिसको जैसी श्रद्धा है, कोई लोटे से कोई जग से कोई गिलास से, जैसी उसकी इच्छा होती है वो इसका आनंद लेते हैं। भांग ऐसा खतरनाक नशा है कि इसके ज्यादा सेवन से मानसिक बीमारियां तक हो जाती हैं। लेकिन भांग को शिव का प्रसाद मानने वालों को समझाए तो कौन, उन्हें तो बहाना चाहिए, और वो बहाना है 12:56, यानी शिव के प्रसाद के नाम पर लोटे पर लोटा भांग। 73 साल के अमिताभ बच्चन ने एक फैशन इवेंट में रैंप वॉक कर 4 चांद लगा दिए। जब बिग बी ने अपने इस हुनर के दीदार कराए तो देखने वाले देखते रह गए। आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी एनर्जी अमिताभ बच्चन में आती कहां से है। खबरों के साथ इंडिया एट 9 में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज़। नमस्कार।